ही आ चुका है। अपना जर्नी कैसा रहा? जर्नी कैसा रहा? बहुत। चलो तो हक कर लेगा। सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। सेवा करेगा तो मैं कपड़े धो रही हूँ। मेरे कपड़े भी धो लिए हैं और देखिए ये लुक सो यम। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रेनू 97 ब्लॉग हियर। तो गाइस, आप सबने मेरा ही लेट मी अलोन वाला वीडियोस में बहुत सारा प्यार दिया। तो गाइस, आज फाइनली उन्नु जो वापस आ रहे हैं ड्यूटी से, तो मैं अभी उसको रिसीव करने जाऊंगी। प्लीज वीडियो पे कंटिन्यू रहना। ये वीडियो मैं एक्चुअली नहीं बनाने वाली थी, लेकिन आप सबका इतना सारा प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू करूंगी। मुझे फेसबुक में ढेर सारा प्यार मिला है इस वीडियो को, तो आज मैं ये वीडियो ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो गाइस, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आप सबके जीजू को लेने जाते हैं मेरे साथ, चलिए। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत समय बाद में आज मिलूंगी, तो चलिए। तो देखिए गाइस, ये रास्ता को उस दिन जब मैं उसको पहुंचाई थी, उस वक्त तो पूरा अंधेरा था। वो कि 3:41 ऐसे था समय जो। तो अभी तो पूरा दोपहर यहाँ पे मैं वेट करूंगी। ये गाइस आ चुका है। ये आ चुका है अपना पसंग भैया। जर्नी कैसा रहा? बकवास। एक एक करके सब आ रहे हैं। और यहाँ पसंग भैया और सर जो है, देखिए यहाँ है अपना फौजी भाई साहब। और आते ही हमको कुली बना दिया फिर से। इतना बड़ा बैग बुक के जा रही है, देखिए उसका बहुत भारी है। तो चलिए घर जाके तो मिलते रहा आप सबका जीजू। नक्को, जर्नी कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया। चलो तब तो। तो गाइस, फाइनली घर पहुंच गई हूँ और ये रहा उन्नु। उन्नु चलो तो हक कर लेगा। तो ऐसा करना चाहिए सेवा। सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। सेवा करेगा तो मिलेगा बहुत सारा। हो गया, वो चेंज करो। ओके माय लॉर्ड। तो अभी नमसु वाला सॉक्स का बाड़ी सब धोना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तो गाइस, एज यू कैन सी हम थोड़ा रेडी हो चुके हैं। हम guys, दोनों आए हैं घर के पास वाले होटल में और अभी हम खाएंगे मोमोस। ये तो मोमो लिए ना, यहाँ का मोमो बहुत टेस्टी होता है। खानी है तो ये मोमो खाएंगे अभी। बस और ये रहा फल वाइट। सो डिलीशियस। और इस वाले होटल का सबसे खास बात है यहाँ का सूप, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं पहले मोमो खा लूंगी। तो गाइस, ये है आफ्टर जर्नी, ऐसा हो जाता है हाल। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको भिगो के रखूंगी, इसके बाद कुछ देर बाद धो दूंगी। देखिए ऐसा हो गया पूरा बेचारा, वहाँ पे कहाँ धोएंगे ना। चलो तो आज यही घर के काम करेंगे, इसके बाद में शाम को एक अच्छा सा सब्जी लेके हम दोनों एक अच्छा सा डिनर करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, पति का दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। सो गाइस, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ पति जी के, जो कि वो ड्यूटी में पहने के बहुत सारा भरती है और बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं इसको धो के अभी पूरा सुखा दूंगी। तो गाइस, मेरे कपड़े भी धो लिए है और देखिए ये हमारा बैल्कनी, और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। और वो आगे पे है आईजी पार्क, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा है, देखिए। तो गाइस, मैंने कपड़े धो लिए हैं और सुखा भी दिए हैं, और अभी थोड़ा मार्केट जाएंगे आकाशदीप, क्योंकि मैं पापा के लिए एक घड़ी लेना चाह रही हूँ। तो मैं पापा के लिए घड़ी लेने के लिए जाऊँगी। इसके बाद कल हम लोग 2 दिन के लिए पासीघाट जाएंगे। तो गाइस, आप सबको पासीघाट ब्लॉग भी जल्दी मिलने वाला है। तो फिर हम लोग 2 दिन के बाद जल्दी ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा भी यहाँ काम है। तो गाइस, अभी मैं फटाफट ड्रेसअप कर लेती हूँ। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं आकाशदीप गरीब की शॉप पे,
तो यहाँ से अभी एक गरी सेलेक्ट करेंगे। ये समता का ये परचेस किया है पापा के लिए और मैंने ये पापा के लिए लिया है। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और चेंज भी कर लिया है, यही घर का फटा फुटा कपड़ा पहन लिया है। इसके बाद अभी हम करेंगे डिनर, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट है, तो वीडियो पे बने रहना देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये रहा नन्ना मुन्ना बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे है, सो रहे हैं अभी। इसके मम्मी जो भी गया है कुछ खाने के लिए होगा, ऐसे समय में घूमते रहते उसका मम्मी जो। टूट टूट, इनमें से दो का आग जो खोल गया है और एक का दही खोला है, देखिएगा ये देखिएगा। या इसका तो खोल गया, अन्नी खोल गया। ठीक है अभी तो सो जाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, सो जाओ। तो गाइस ये है रेड मीट, ये है कबूंगा दिन, चूहा का मीट है और आप सब भी इसे प्लीज़ गिन मत कीजिएगा। ये जो ऐसे घर पे जो मिलते हैं वो चूहा नहीं है, ये जो बहुत दूर जंगलों में पाया जाता है, इसको भी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसको जो जो नहीं जानते हैं वो गिन मत कीजिएगा, ये घर पे रहने वाला चूहा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा वाला चूहा है जो सिर्फ जंगल खाते हैं। तो आज मैं इसको डिनर में यूज़ करूँगी, ये मैं बनाए खाऊँगी, तो वीडियो पे बने रहना। चूहा का मीट खाऊँगी आज, चूहा का मीट। और यहाँ पे है ड्राई बेम्बू सूट, यहाँ पे है किंग चिली और ये मैं आज दोनों के साथ इसको बना के खाऊंगी। यहाँ पे है रेड मीट कबूंगा दिन, चूहा का मीट है और बेम्बू सूट है ड्राई बेम्बू सूट। इसके बाद किंग चिली है, बॉईल कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, वाह। तो अभी मैं सलाद बनाऊंगी, तो देखिए गाइस यम यम सलाद यहाँ रेडी हो गई है। तो अभी हम खाना खाएंगे, किस किस का मुंह में पानी आ रहा है बता देना कमेंट करके। और यहाँ पे है ड्राई बेम्बू सूट, यहाँ पे है किंग चिली और ये मैं आज दोनों के साथ इसको बना के खाऊंगी। आज हम दोनों साथ में ही डिनर करेंगे, देखिए। और ये है सलाद और यहाँ पे है रेड मीट, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाती हूँ खाली है, ये देखिए। जो इसको खाया होगा उसको पता होगा इसका टेस्ट कैसा है, जो नहीं खाया है तो प्लीज देख लेना। ये देखो कितना सारा है, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो ये देखिए रेड मीट, तो गाइस देखिए खाया पिया सब कुछ चमका दिया है, बर्तन थाल भी धो लिए हैं मैंने, सब साफ सुथरा कर लिया है, सब कुछ तो साफ सुथरा कर लिया है। तो अभी मैं कल के लिए सामान पैक करूंगी। तो आप सबको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बता देना, और जल्दी ही मिलेंगे मेरे पासीघाट वाले ब्लॉग पे, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहना, उसके लिए वेट करना, जल्दी ही आ जाएंगे। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सी यू सून, बाय 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 बाय।